हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज भारत और चीन की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और इन दोनों देशों का प्रभाव आसपास के छोटे देशों पर भी सीधे तौर पर नजर आता है। नेपाल और भूटान दो ऐसे देश है जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। ये दोनों ही देश प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर माने जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है और इसके अलावा भी दुनिया की 10 में से 8 चोटियां नेपाल में आती हैं। नेपाल की एक खास बात ये भी है कि आज तक किसी भी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा है, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं हिमालय पर्वत करते हैं। वहीं भूटान को हमेशा भारत अपना छोटा भाई जैसा मानता आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1974 तक दुनिया के बहुत कम लोग ही भूटान के बारे में जानते थे और भूटान देश में किसी भी बाहरी नागरिक को एंट्री नहीं दी जाती थी। और आज भी अगर कोई विदेशी सैलानी भूटान घूमने जाना चाहता है तो भूटान की सरकार $250 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से एक फिक्स चार्ज करती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम नेपाल और भूटान देश का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर स्थिति में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, तो वहीं भूटान का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ भूटान है। भूटान का मतलब है तिब्बत का एक छोर। नेपाल का झंडा दुनिया में एकमात्र ऐसा झंडा है जो रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है। नेपाल का झंडा दो त्रिकोण से मिलकर बना हुआ है जो यहाँ के हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्रतीक माना जाता है। भूटान के झंडे पर आपको ड्रैगन बना हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपने देश को ड्रैगन की भूमि मानते है। आज के समय में नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है और हर साल ये 1.35% की दर से बढ़ती रही है। वहीं भूटान जनसंख्या के मामले में नेपाल से काफी पीछे है। ताजा अनुमान के मुताबिक भूटान की कुल आबादी सिर्फ 8 लाख के आसपास ही है। हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मामले में भूटान नेपाल से थोड़ा आगे है। भूटान की जनसंख्या हर साल 1.80% की दर से बढ़ रही है। नेपाल का क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के मामले में ये विश्व में 93वें नंबर पर आता है। बात करें भूटान की तो भूटान का कुल लैंड एरिया 38,394 वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया में 133वें नंबर पर आता है। डेंसिटी की दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल और भूटान दोनों ही देशों में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलती। नेपाल में 207 लोग एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, तो वही भूटान में सिर्फ 20 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। यानी नेपाल के कुछ बड़े शहरों में तो आपको फिर भी चहल पहल देखने को मिल जाएगी, लेकिन भूटान में शायद ही आपको कहीं भी भीड़ भाड़ या ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दोस्तों, भूटान और नेपाल भले ही दोनों भारत के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन दोनों देशों का रहन सहन, संस्कृति और परंपराओं में काफी अंतर देखने को मिलता है। यूं तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन भूटान में ज्यादा बौद्ध अनुयायी रहते हैं। नेपाल में 81% हिंदू, 9% बौद्ध, 4.4% इस्लाम, 3.1% किरात और 1.4% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। वहीं भूटान में 75% लोग बौद्ध धर्म को मानते 22% के साथ हिंदू धर्म भूटान का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। भाषाओं के मामले में भी भूटान और नेपाल में काफी विभिन्नताएं हैं। नेपाल में सबसे ज्यादा नेपाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही भोजपुरी, मैथिली, अवधी, थारू जैसी भाषा का प्रयोग भी करते हैं यहाँ। कुल मिलाकर लगभग 123 भाषाएं नेपाल में बोली जाती है। बात करें भूटान की तो यहाँ की सबसे प्रमुख भाषा सोंखा है। नेपाल की करेंसी का नाम नेपाली रुपीज है। भूटान की करेंसी है भूटानीज एंगल ड्रम। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि लंबे समय तक जांडी बियू को नेपाल का नेशनल गेम का दर्जा प्राप्त था। हालांकि 2017 के बाद से वॉलीबॉल को नेशनल गेम का दर्जा दिया गया। भूटान का नेशनल गेम आर्चरी है। दोस्तों, चलिए अब दोनों देशों की इकोनॉमी और जीडीपी की भी बात करते हैं। नेपाल की जीडीपी $30 बिलियन के आसपास है। भारत और चीन दोनों ही नेपाल को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित होने के कारण नेपाल साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख देश माना जाता है। एक समय तक नेपाल अपना ज्यादातर व्यापार भारत के साथ ही करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान नेपाल में चीन का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। दोस्तों, भूटान की जीडीपी नेपाल के आगे काफी कमजोर नजर आती है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भूटान की कुल जीडीपी $2.4 बिलियन है, लेकिन यहाँ पर दोनों देशों की जनसंख्या भी एक फैक्टर है। पर कैप्चा इनकम के मामले में भूटान नेपाल से काफी आगे नजर आता है। भूटान के लोगों की पर कैप्चा इनकम $3,621 है, तो वही नेपाल के लोगों की पर कैप्चा इनकम $1,223 ही है। और एक देश के लोगों का लाइफ स्टाइल उस देश की जीडीपी से नहीं बल्कि पर कैप्चा इनकम पर ज्यादा निर्धारित होता है। ग्रोथ रेट के मामले में भी भूटान नेपाल से ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था 2.5% के रेट से बढ़ रही है, तो भूटान की जीडीपी 4.5% के हिसाब से ग्रो कर रही है। नेपाल को कोरोना महामारी के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि COVID-19 के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित रही और नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, भूटान में रहना नेपाल के मुकाबले 18% तक ज्यादा महंगा
महंगा है। नेपाल में एक लीटर पानी की बोतल 25 रुपए में मिलेगी, तो वहीं भूटान में आपको एक लीटर पानी की बोतल 35 रुपए में मिलती है। लेकिन अगर आपको घर किराए पर लेना हो तो भूटान 25% तक सस्ता नजर आता है। नेपाल में एक मिडिल क्लास फैमिली को रेंट के तौर पर 10,000 रुपए का किराया देना पड़ता है। उसी घर के लिए भूटान में 7,000 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। असल में दोस्तों, भूटान में जनसंख्या काफी कम है और ज्यादातर लोगों के पास अपना खुद का मकान है, इसलिए कई मकान खाली पड़े हैं जहां कोई भी नहीं रहता है, और यही वजह है कि भूटान में घर का रेंट नेपाल से कम है। लिटरेसी रेट के मामले में भी भूटान नेपाल से कहीं आगे नजर आता है। नेपाल का लिटरेसी रेट 67% के आसपास है। हालांकि पिछले कुछ सालों में नेपाल के लिटरेसी रेट में काफी तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन भूटान भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफी ध्यान दे रहा है। भूटान का लिटरेसी रेट 73% के आंकड़े को पार कर गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भूटान ही बेहतर स्थिति में है। भूटान का HDI स्कोर 0.654 है और नेपाल का HDI स्कोर 0.602 है। ये दोनों ही देश मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों की सूची में आते हैं। नेपाल का फर्टिलिटी रेट 1.826 है, यानी 100 महिलाएं मिलकर औसतन 1.826 बच्चों को जन्म देती हैं। वहीं भूटान में फर्टिलिटी रेट 1.893 का है। इसका मतलब है कि भूटान में एक महिला एवरेज तौर पर 1.893 बच्चों को जन्म देती है। नेपाल के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 71.45 ईयर्स है। तो दोस्तों, वहीं भूटान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 72.47 ईयर्स है। नेपाल में पॉवर्टी रेट है 17.4%। दोस्तों, आज बड़ी संख्या में नेपाल के लोग रोजगार की तलाश में भारत का रुख कर रहे हैं। भूटान का पॉवर्टी रेट 11.2% है, जो नेपाल के मुकाबले काफी बेहतर नजर आता है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट न सिर्फ नेपाल बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गंगखर बुनसुम है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। भूटान का 70% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश के लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर कम से कम 60% एरिया में जंगल होना चाहिए। भूटान एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों, जो नेगेटिव कार्बन एमिशन की लिस्ट में शामिल है, जिसका क्रेडिट यहाँ के जंगलों को दिया जाता है। भूटान के लोग आज भी अपनी संस्कृति को बहुत ही अहमियत देते हैं। भूटान में साल 1999 के बाद पहली बार टीवी इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले भूटान के राजा का मानना था कि टीवी आने से उनकी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। भूटान में पुरुषों के बजाय महिलाएं ही घर की प्रधान होती है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की भी अपनी एक अलग ही पहचान है। नेपाल के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां नजर आती है। नेपाल के लोगों का मानना है कि हिमालयन रेंज में आज भी हिममानव येती रहते हैं। पूरी दुनिया में साल 2022 चल रहा है, लेकिन नेपाल में सन 2079 चल रहा है, क्योंकि दोस्तों नेपाल के लोग विक्रम संवत के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। नेपाल का टाइम जोन भी माउंट एवरेस्ट से तय किया जाता है। आइए दोस्तों, एक नजर नेपाल और भूटान के मिलिट्री बजट पर भी डाल ही लेते हैं। नेपाल का डिफेंस बजट आज 0.425 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। नेपाल के पास 1,00,000 से ज्यादा लोगों की सेना मौजूद है, साथ ही कई आर्मर्ड व्हीकल भी नेपाल के पास है। 15,000 सैनिकों की पैरामिलिट्री फोर्स भी नेपाल ने बनाई हुई है। नेपाल के पास कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। नेपाल के सैनिक काफी बहादुर माने जाते हैं और ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नेपाल के लोगों की भर्ती भारत की सेना में की जाती रही है, जिन्हें गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्री है और इसीलिए दोस्तों इनके पास कोई भी नौसेना मौजूद नहीं है। भूटान के पास तो अपनी खुद की वायुसेना भी नहीं है और थल सेना के नाम पर कोई खास आर्मी भूटान के पास नहीं है। भूटान का डिफेंस बजट दोस्तों सिर्फ 25 मिलियन डॉलर्स का है। असल में भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ली हुई है। अगर कोई देश भूटान पर आक्रमण करता है तो इसका मतलब है कि वो भारत से टक्कर लेना चाह रहा है, और आज भारत सैन्य शक्ति के मामले में कितना मजबूत हो चुका है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, खाने पीने और घूमने फिरने के मामले में नेपाल और भूटान का कोई जवाब नहीं है। भूटान के लोग खाने में मिर्च का जमकर इस्तेमाल करते हैं। मोमोज को यहाँ डंपलिंग कहा जाता है और ये मैदे के बजाय कुट्टू के आटे से बनाए जाते हैं। एमा डेट शी थुकपा और यक्षशकम भूटान की प्रमुख डिशेस हैं। नेपाल में मोमोज सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड है, जो आपको हर गली चौराहे और मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा। बात करें घूमने की, तो थिम्फू भूटान की राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। थिम्फू में आपको कई स्टेडियम, बाजार और बौद्ध मठ देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ की नाइट लाइफ भी कमाल की होती है। पैरो भूटान का एक और प्रमुख शहर है और देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी इसी शहर में स्थित है। नेपाल की राजधानी का दर्जा काठमांडू को प्राप्त है और ये शहर अपने आप में दोस्तों एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। इस शहर में दोस्तों 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शामिल हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो आप
सभी ने सुना ही होगा। इस मंदिर में दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। इनके अलावा नेपाल में एक स्तूप भी बना हुआ है जिसे बुद्ध की आंखें भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने नेपाल और भूटान के बारे में विस्तार से चर्चा की और जाना कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप बताइए, आपके हिसाब से नेपाल और भूटान में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें बहुत खास बनाती है? आप कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।